फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइनीस मेनू। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ढाबा स्टाइल एग करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल, इजी और उतनी ही टेस्टी यमी है। आप इसको पराठे, नान, चपाती, इवन आप इसको चावलों के साथ भी खाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगता है। तो जैसे हम लोग ढाबों वगैरह में जाते हैं और अंडा करी वगैरह देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनेगा, टेस्ट में भी वैसे ही बनेगा, बल्कि क्या उससे ज़्यादा ही अच्छा बनेगा, क्योंकि हम इसे घर पर बना रहे हैं अपने मसालों के साथ। तो चलिए ज़रा देर नहीं करते और फटाफट से ढाबा स्टाइल अंडा करी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, पैन में मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़े बहुत खड़े मसाले डाल रही हूँ, 2 तेज पत्ते, 3 हरी इलायची, 3 लौंग, 1 काली इलायची है और 1 पीस दालचीनी का है। इसे हम तेल में डाल देंगे और हल्के से जब ये गर्म होने लगेंगे ना, हम यहाँ पर 1 पिंच हींग डाल देंगे। हींग डालना ऑप्शनल है, बट मैं यूजुअली अपने हर इंडियन खाने में, इंडियन रेसिपीज़ में डालना पसंद करती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। उसी के साथ साथ देखिए, मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, जिसे मैंने बहुत ही बारीक बारीक यहाँ पर चॉप कर रखा है, वो डाल देंगे। तो अगर आप चाहें तो इसे चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं या फिर आप इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो पेस्ट मत डालिएगा, आप चाहें तो ग्रेट कर लीजिए इसे कद्दूकस में, या फिर आप इसे चॉपर में चॉप कर लीजिए, बट पेस्ट बना के मत डालिएगा। अब आप इसको फ्राई करिए कम से कम 5-6 मिनट के लिए, जब तक इसका कलर हल्का सा गोल्डन होना शुरू ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं फ्राई कर लेती हूँ। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम पर रखा है, मीडियम फ्लेम पर आपको फ्राई करना है। तो देखिए, यहाँ पर अभी 5-6 मिनट हो गया है और प्याज हल्की सी ब्राउन होनी शुरू हो गई है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। अब मैं यहाँ पर 2 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर गार्लिक डाल रही हूँ और यहाँ पर थोड़े बहुत मैंने करी लीव्स भी डाले हैं, ऑप्शनल है। अगर आपके पास करी पत्ते नहीं हैं तो आप ये स्टेप स्किप कर दिएगा। इन सबको आप फिर से 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनिए, ताकि अदरक लहसुन का जो भी कच्चापन है ना, वो सब ख़त्म हो जाए और प्याज भी हमारी थोड़ी और भुन जाए। तो इसको मैं अभी 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर 2-3 मिनट एक्स्ट्रा और हो गया है और आप देख सकते हैं प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है, फ्राई हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़े बहुत मसाले डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है। अब मैं यहाँ पर 2 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर डाल रही हूँ। उसी के साथ मैं यहाँ पर 3/4 टीस्पून क्यूमिन सीड्स का पाउडर डाल रही हूँ, ज़ीरा पाउडर। उसके बाद 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं यहाँ पर, मतलब 3/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, नॉर्मल रेड चिली पाउडर है ये 3/4 टीस्पून। 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, ये है काश्मीरी रेड चिली पाउडर। इन सबको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और फ्लेम को अब आप लो पे रखिएगा, क्योंकि मसाले हैं पाउडर फॉर्म में है तो बहुत जल्दी जलने के चांसेस हो जाते हैं इनके। लो फ्लेम पे कम से कम आप इन्हें 30 सेकंड्स के लिए भून लीजिए ऐसे चलाते चलाते, ताकि मसाले अच्छी तरीके से हमारे रोस्ट हो जाएं। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं। ज़्यादा देर आपको रोस्ट नहीं करना है, 30 सेकंड्स ही रोस्ट करिएगा मसाले वगैरह। अब देखें, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मिक्सी में ऐसे ग्राइंड कर लिया था, वो डाल दिया है। वो डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करिए इसे। बट अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है थोड़ा ड्राई सा लग रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तो यहाँ पर तकरीबन 1/4 कप मैंने पानी ऐड किया है। ये पानी ऐड करके अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है। फ्लेम को अब आपको लो और मीडियम के बीच में ले आना है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालूंगी, ताकि जो हमारे टमाटर है ना फटाफट से गलने शुरू हो जाएं। तो हल्का सा नमक डालेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हम बाद में भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/2 टीस्पून के हिसाब से नमक डाल दिया है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कसूरी मेथी डालने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस ग्रेवी को। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी भी ऐड कर दिया है। कसूरी मेथी को ऐड करने के बाद आप इसको मिलाइए। अब आप इसको कवर कर दीजिए बिल्कुल लो और मीडियम फ्लेम के बीच में, कम से कम 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मसाला है बहुत अच्छे तरीके से डार्क हो गया उसका कलर, और जो पानी था वो भी ड्राई आउट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ पर काजू और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 काजुओं को
गर्म पानी में 15-20 मिनट के लिए सोक कर दिया था। उसके बाद मैंने उसे ग्राइंड कर लिया था दो हरी मिर्चों के साथ। तो ये वो पेस्ट है, अच्छी तरीके से आप मिलाइए। काजू का पेस्ट डालने से ना हमारी जो ग्रेवी है उसको टेस्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा और जो टेक्सचर है ना ग्रेवी का थोड़ा रिचनेस मिलेगा उसे। तो देखिए यहाँ पर मेरे को जो मसाला था थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा कप पानी डाला है। अच्छी तरीके से मिक्स करिए और इसे कवर कर दीजिए 2 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरीके से हमारा मसाला है ना कुक हो जाए। तो मैं अब इसे कवर कर देती हूँ। 2 मिनट के बाद आप देखिए कि ऑयल सरफेस पे आने लगा है और बहुत अच्छे तरीके से जो मसाला है वो कुक हो गया है। अब आप देख सकते हैं ये जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, हमें इसे थोड़ा सा पतला करना है। अगर आप इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे ना तो जब ये ग्रेवी ठंडी हो जाएगी तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं अभी 1 कप गर्म पानी डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारी ग्रेवी कुक्ड है, तो अब मैं यहाँ पर ठंडा पानी नहीं ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर 1 कप गर्म पानी ऐड किया है। अच्छे तरीके से मिक्स करिए। अब आपको क्या करना है, इसे दोबारा कवर कर दीजिए ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ जाए। तो अब हम इसे कवर कर देंगे लो मीडियम फ्लेम पर ताकि एक अच्छा सा उबाल इसके अंदर आ जाए। मैं इसको कवर कर देती हूँ। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने 5 बॉइल्ड एग्स मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। अंडों को मैंने पहले से ही उबाल के रख लिया था और उसमें हल्का हल्का सा मैंने फोर्क की हेल्प से थोड़ा प्रिक कर लिया था ताकि मसाला वगैरह ना सब अंदर अच्छी तरीके से अंडे में पहुँच जाए। आप चाहें तो इन अंडों को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, पर मेरे घर में किसी को भी फ्राई किए हुए बॉइल्ड एग्स पसंद नहीं है, इसलिए मैं इनको ऐसे ही डाल रही हूँ। बट अगर आप फ्राई करके खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप स्टार्टिंग में पहले कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के इन्हें फ्राई कर लीजिए। इसको मैंने कवर कर दिया था 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब आप देख सकते हैं ऑयल पूरा सरफेस पे आ गया है और कितना बढ़िया लग रहा है। मैंने यहाँ पर 2-3 हरी मिर्च और थोड़े से धनिया पत्ते डाले हैं ताकि फ्लेवर और ज़्यादा एनहेंस हो जाए हमारे ढाबा स्टाइल अंडा करी को। तो अभी भी फ्लेम मेरा बिल्कुल लो पर ही है, मैंने गैस को अभी बंद नहीं किया है। हम इसमें 1-2 आइटम और डालेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ, तो लास्ट में अगर आप गरम मसाला डालेंगे ना तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। आप देखिए हल्का सा गरम मसाला डाला है मैंने एक अच्छा फ्लेवर आने के लिए। अब मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून शुगर डाल रही हूँ। शुगर मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि जितने भी मसाले हमने डाले ना उन सब का फ्लेवर टेस्ट सब बैलेंस हो जाए, एक अच्छा सा एक बढ़िया सा एक टेस्ट हमारे अंडा करी को मिल जाए। ऑप्शनल है बट अगर आप डालेंगे ना आपको पता चलेगा फ़र्क कितना लगता है हल्का सा अगर आप चीनी डालेंगे। तो चीनी आपको सिर्फ 1/4 टीस्पून ही डालनी है, ज़्यादा मत डालिएगा। और आप ग्रेवी का टेक्सचर और करी का कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैंने गैस को कर दिया है ऑफ, सब चीज़ों को मिला दिया है। अब मैं इसको 15-20 मिनट ऐसी स्टैंडिंग टाइम दूंगी इसी बर्तन में ताकि सारे फ्लेवर्स है ना अच्छी तरीके से सेटल हो जाएं। 15-20 मिनट के बाद देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है और बढ़िया सा हमारा ढाबा स्टाइल एग करी बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसे चाहे पराठों के साथ खाएं, पूड़ी के साथ खाएं, नान चपाती या फिर सादा फुलकों के साथ भी खाएंगे ना तो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इवन आप इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप सब लोग इसे ट्राई करिए, बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी आई है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है ना तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं ना तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। उसके जस्ट अपोजिट जो बेल आइकन है ना उसे भी क्लिक करेंगे ना तो मैं जितनी भी रेसिपीज डालती हूँ ना उन सबका नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो चलिए अगली अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।